प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में छपली शेरी से देवका बीच तक किया मेगा रोड शो, लाखों की संख्या में पहुंचे समर्थक। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर किया अभिवादन स्वीकार। प्रधानमंत्री के स्वागत में दमन को भव्य रोशनी से सजाया गया, फूलों से सजी गाड़ी पर सवार हुए प्रधानमंत्री मोदी, दिखा अद्भुत नजारा। लोक कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत से बांधा समा, प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जगह जगह डांस करते नजर आए लोक कलाकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन से देश को देवका सी फ्रंट का किया समर्पित, 165 करोड़ की लागत से बनाया है 5.5 किलोमीटर तक का समुद्री तट। पीएम मोदी ने देवका सी फ्रंट का निर्माण करने वाले कारीगरों से भी की मुलाकात, कारीगरों से बातचीत करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन, 35 एकड़ में फैला है मेडिकल कॉलेज। 203 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है तैयार मेडिकल कॉलेज में 13 इमारतें, प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2019 में ही नमो मेडिकल कॉलेज की रखी थी नींव। पीएम मोदी ने नमो मेडिकल कॉलेज बनाने वाले कारीगरों से भी की मुलाकात, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कारीगर काफी उत्साहित नजर आए। नमो मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपस का किया दौरा, विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का भी लिया निरीक्षण। पीएम मोदी ने सियाली ग्राउंड में 4,850 करोड़ की करीबन 96 परियोजनाओं को देश के नाम समर्पित किया, करोड़ों की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। केरल दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने खोला तोहफों का पिटारा, 3,200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। त्रिवेंद्रपुरम को डिजिटल साइंस पार्क का तोहफा, प्रधानमंत्री मोदी ने रखी आधारशिला और कोची वाटर मेट्रो एवं विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। देश को मिली पहली वाटर मेट्रो की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित, कहा केरल बहुत ही जागरूक समझदार और शिक्षित लोगों का है प्रदेश। केरल को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन, त्रिवेंद्रपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन में बच्चों से की मुलाकात, केरल के सीएम पिनाराई विजयन से भी रहे मौजूद। विधि विधान से खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, आर्मी के बैंड ने बजाई खास धुने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए बाबा केदार के दर्शन, बाबा के भक्तों को दी कपाट खोलने की शुभकामनाएं। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह, बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बोलो बम बम बोले, हर हर महादेव, एक दो तीन चार बोले तेरी जय जयकार। केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ की तैयारियां तेज, बुधवार को पांडुकेश्वर से उद्धव कुबेर की टोली के साथ निकलेंगे मुख्य पुजारी, सोमवार को गरुड़ जी की मूर्ति आई थी जोशीमठ। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कर्नाटक चुनाव के लिए शाह ने झोंकी पूरी ताकत, कर्नाटक के यादगीर में किया भव्य रोड शो, उमड़ा जनसैलाब। कर्नाटक के बगलाकोट में गृहमंत्री अमित शाह ने किया रोड शो, सड़क के दोनों तरफ खड़ी जनता ने शाह को किया अभिवादन, प्रधानमंत्री मोदी साथ भारत माता की जय के लगाए गए नारे। कर्नाटक के बागलकोट में अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित, कहा कांग्रेस की सरकारें बनी तो कर्नाटक का विकास रिजर्व गियर में पड़ने वाला है। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी की मैसूर में जनसभा, मुंबई सरकार पर साधा निशाना, कहा इस सरकार का जो मूल था वो शुरू से ही गलत था। मुस्लिम आरक्षण पर सियासी घमासान जारी, कर्नाटक में अमित शाह ने विरोधियों पर कसा तंज, कहा तुष्टीकरण के लिए विरोधियों ने दिया धर्म के आधार पर आरक्षण। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का कुश्ती संघ को नोटिस, शुक्रवार को अगली सुनवाई।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी भेजा नोटिस, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करने को लेकर मांगा जवाब। ब्रिजभूषण के खिलाफ पहलवानों का 3 दिन से धरना जारी, ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर पर अड़े खिलाड़ी। खिलाड़ियों को खाप पंचायत का समर्थक, 5 से 6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर। खाप पंचायतों ने कहा कि हमारी बेटियों की क्या गलती है, हरियाणा के लोगों में गुस्सा। उमेश पाल हत्याकांड के करीब 2 महीने बीतने के बाद भी अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार, अशरफ की ससुराल में पुलिस की रेड। एसटीएफ और यूपी पुलिस को मिली अहम जानकारी, अतीक के नाम दर्ज संपत्ति और कंपनी को कर रही है अपने नाम। फरार रहने के दौरान शाइस्ता परवीन अकाउंटेंट और सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट से जुड़ी हुई हरियाणा, दिल्ली और मुंबई में कंपनियां। उमेश पाल हत्याकांड में फरार गुड्डू मुस्लिम को लेकर नया खुलासा, अकेला भाग रहा है, कोई नहीं है उसके साथ। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम के पास नहीं बचे हैं पैसे, ओडिशा में कपड़ों से भरा बैग फेंक कर भागा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में रुकने के सबूत, 12 दिन तक रहा ओडिशा में, इसके बाद नहीं मिली कोई लोकेशन। ओडिशा के बारगढ़ में मिली आखिरी लोकेशन, हिरासत में लिए गए शख्स के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ने पुलिस से बचने के लिए बढ़ाई अपनी दाढ़ी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद गैंग के 121 बदमाशों की नई लिस्ट बनाई गई, सबकी संपत्ति का ब्यौरा निकाला जा रहा है। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन पर सबसे बड़ा खुलासा, अतीक जिशान को मदद करने के मिले सबूत। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को लिखा था पत्र, जिशान को भली भांति जानने का दावा किया।